निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराजांच्या असीम कृपा आशीर्वादाने गुरुवार दिनांक 24 डिसेंबर 2020 रोजी संत निरंकारी मिशन अंतर्गत संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशन पुणे झोन भोसरी ब्रँचच्या वतीनं संत निरंकारी सत्संग भवन भोसरी येथे सकाळी 9 ते 5 या वेळेत भव्य रक्तदान शिबिर संपन्न झालं। त्यामध्ये ससून रुग्णालय रक्तपेढी यांनी 139 युनिट, यशवंतराव चव्हाण रुग्णालय रक्तपेढी यांनी 154 युनिट रक्त संकलन केलंय। शिबिरात प्रशासन डॉक्टरांनी दिलेल्या सुरक्षिततेच्या नियमांचं पालन करण्यात आलं, तसेच सोशल डिस्टन्सिंगकडे विशेष लक्ष देण्यात आलं। विशेषतः कोरोना काळामध्ये संत निरंकारी मिशनच्या 170 अनुयायांनी यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयामध्ये जाऊन ज्याप्रमाणे आवश्यकता भासत होती तसे रक्तदान करून अनेक रुग्णांचे प्राण वाचवलेत, तसेच वेळोवेळी कोरोनाग्रस्त रुग्णांना प्लाझ्मा दान करून माणुसकीचं दर्शन घडवलंय। मिशनच्या या निस्वार्थी कार्याची रुग्णालय प्रशासनानं प्रशंसाही केली आहे। शिबिराचं उद्घाटन ताराजन करमचंदानी जी पुणे झोन प्रभारी संत निरंकारी मंडळ पुणे यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झालं। या शिबिरादरम्यान संत निरंकारी मिशनचे इतर मान्यवर आवर्जून उपस्थित होते। 1980 साली मिशनचे तिसरे गुरु सद्गुरु गुरुबचन सिंहजी महाराज यांनी सत्य प्रेम शांती मानवता एकता प्रस्थापित करण्यासाठी संघर्ष करताना आपल्या प्राणाची आहुती दिली होती, तेव्हा अनेकांनी त्यांच्या बलिदानाचा बदला घेण्याची इच्छा प्रकट केली। अशा कठीण प्रसंगी बाबा हरदेव सिंहजी महाराज यांनी सर्व अनुयायी यांना दया क्षमा शांती आणि अहिंसेचा मार्ग दाखवून उपदेश केला की बलिदानाचा बदला घ्यायचा असेल तर माणसाचे रक्त नाल्यांमध्ये नाही तर नाड्यांमध्ये वाहिले पाहिजे। त्यानंतर 1986 पासून संपूर्ण विश्वामध्ये रक्तदान शिबिराचं आयोजन करून बाबा गुरुबचन सिंहजी आणि शहीद संतांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येऊ लागली। भोसरी शाखेचे प्रमुख अंगद जाधव यांनी सर्व रक्तदात्यांचे आणि उपस्थितांचे आभार व्यक्त केले। हे शिबिर यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी मिशनच्या भोसरी शाखेच्या सर्व अनुयायांचे योगदान लाभले। सत्संग जी प्यार से कहना दनंकार जी। सत्संग जी, आज पुणे जोन भोसरी सेक्टर में रक्तदान शिविर हो रहा है। सदगुरु सुदीक्षा माता जी की बड़ी कृपा है। सत्संग जी, संत निरंकारी मिशन की ओर से SNCF संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन में ये रक्तदान आयोजित किया गया है और सुंदर रूप से ये महापुरुष योगदान दे रहे हैं। और सत्संग जी, अप्रैल से लेकर 23 दिसंबर तक 2037 रक्त डोनेट किया गया है। करीब करीब 20 ब्रांचों में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है और ये रक्तदान ससून हॉस्पिटल और YCM को दिया जा रहा है, कुछ कमांडो को भी दिया जा रहा है। जैसे भी ससून से या YCM हॉस्पिटलों से डिमांड आती है, कोरोना लॉकडाउन के कारण सत्संग जी रक्तदान की बहुत बड़ी मांग है और सोशल डिस्टेंस रख के ये रक्तदान संत महापुरुष इसमें योगदान दे रहे हैं। और भोसरी में करीब करीब 463 रक्तदान हुए 23 दिसंबर को और उसमें से करीब करीब ससुन को 139 रक्तदान ससुन को दिया गया और YCM को 324 रक्तदान दिया गया। पिछले साल भी साल भर में 7500 यूनिट रक्तदान दिए गए थे और रक्तदान उन्हीं को ही दिया जाता है जो ससुन जो हॉस्पिटल में मुफ्त रक्तदान दिया जाता है उन्हीं को ही रक्तदान कर रहे हैं, जैसे भी दिल्ली के अधिकारियों ने हमें बताया है। और बताते हुए ये भी हमें लग रहा है कि सत्संग जी, करीब करीब 50 प्लाज्मा भी दिया गया है। उनकी रिक्वायरमेंट आई थी, 50 प्लाज्मा भी दिया गया है। तो सदगुरु माता जी से यही आशीर्वाद यही कामना, जिन्होंने भी रक्तदान किया है उनको हमेशा उनकी तबीयत अच्छी रखना, स्वस्थ रखना और आगे भी ये बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते रहें। और सभी पुणे जोन वासियों ने, संयोजक महात्मा मुखी महात्माओं ने अपनी अपनी ब्रांचों में ये सुंदर कार्यक्रम किया हुआ है। सभी मुखियों ने, संयोजक महात्माओं ने और हमारे क्षेत्रीय संचालक ने, SNCF के वॉलंटियर्स ने
सुंदर सा योगदान दिया है। सबके लिए गुरु माँ से प्रार्थना आशीर्वाद, सभी महापुरुषों को स्वस्थ रखे। हमेशा ऐसे ही हम मिशन का कार्य करते रहे और सदगुरु सुदीक्षा माता जी के आशीर्वाद के पात्र बने। साथ संग न्यूज रिपोर्टर रामकृष्ण भागवत, आज 24 तास, भोसरी। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉन वर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स। तसेच आज 24 तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा, लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअर सुद्धा करा।